प्रोज में एक्सप्लेनेशन आती है, तो एक्सप्लेनेशन कौन से चैप्टर से आएगी, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे एक्सप्लेनेशन हर बार आती है, कौन कौन से ऐसे हैं जो हर बार आते हैं, कौन कौन से आपके सेंटर आइडिया हैं जो हर बार आते हैं, तो वो सारी की सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की वीडियो 12th क्लास के सभी बच्चों के लिए है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा और इंग्लिश में जैसे प्रोज है, प्रोज में एक्सप्लेनेशन आती है, तो एक्सप्लेनेशन कौन से चैप्टर से आएगी, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे एक्सप्लेनेशन हर बार आती है, कौन कौन से ऐसे हैं जो हर बार आते हैं, कौन कौन से आपके सेंटर आइडिया हैं जो हर बार आते हैं, तो वो सारी की सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। कौन कौन से टॉपिक आपको याद करने चाहिए, कौन कौन से सेंट्रल आइडिया याद करने हैं, कौन कौन से एक्सप्लेनेशन याद करनी है, और आपको इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया जाएगा एक बेस्ट स्ट्रेटजी और इंग्लिश किस तरीके से पढ़नी है। अब जो आपका अप्रैल स्टार्ट हो गया, तो इस अप्रैल में आप कितने 15 दिन में किस तरीके से इंग्लिश को तैयार कर सकते हो कि आपका 95% और 90% आ सके, तो इस तरीके की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, राइट। तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से और अपर लेवल तक, और आपको मतलब मिनिमम मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम याद करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आ जाएगा आपका, इस तरीके से हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके बिल्कुल 100 में 100 नंबर आ जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अब तक इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपके 70% आ रहे होंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके 90% बिल्कुल आ जाएंगे, यानी कि 20% आप बढ़ा लीजिए निश्चित रूप से, राइट। तो आप बिल्कुल जीरो लेवल से हर चीज़ को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपका इंग्लिश का जो पेपर होता है वो दो भागों में डिवाइड रहता है, और इंग्लिश का पेपर पूरा 100 नंबर का आता है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। पहली बात, 100 नंबर में किस तरीके से डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी दो भागों में। सेक्शन ए में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, फिगर ऑफ स्पीच, पोइट्री। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोज की। तो प्रोज आपकी सेक्शन ए में प्रोज, और प्रोज आपकी 19 नंबर की आती है, 19 नंबर की। यदि हम पहली बात करें, पहले कोविड से पहले इसमें 7 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अभी 2 चैप्टर काट दिए हैं, तो अब कितने चैप्टर बचे हैं, मात्र 5 चैप्टर बचे हैं आपके। कितने चैप्टर बचे हैं, 5 चैप्टर बचे हैं। अब 5 चैप्टर में से भी आपका क्या है, कौन कौन से चैप्टर आपको लर्न करने जिनसे आपका यानी कि एक्सप्लेनेशन आएगी। पहले तो बात कर लेते हैं प्रोज में एक्सप्लेनेशन कितने नंबर की आती है, 10 नंबर की आएगी। 10 नंबर भी आपके 3 भागों में डिवाइड रहते हैं, 7 नंबर की एक्सप्लेनेशन, 1 नंबर का कॉन्टेक्ट, और 2 नंबर का आता है रेफरेंस। तो रेफरेंस जरूर याद कर लेना है कि ये कौन से चैप्टर से ली गई है और ये कौन से राइटर ने लिखा है, तो इसलिए सभी के नाम और उसके राइटर वगैरह याद कर लेना, चैप्टर के नाम और राइटर। तो अब मैं एक्सप्लेनेशन की बात बता दूं आपको, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मात्र 3 चैप्टर पढ़ लेने हैं, इन 5ों में से 3 चैप्टर पढ़ लेना, उन्हीं में से एक्सप्लेनेशन मिलेगी। पेपर में आपकी 2 एक्सप्लेनेशन आती हैं, जिनमें से एक करनी होगी। तो एक्सप्लेनेशन की यदि मैं बात करूं, तो आप एक गर्ल विद बास्केट, ए फेलो ट्रेवलर और वुमेन्स एजुकेशन, ये 3 चैप्टर कर लेना, इनमें से ही 100% डेफिनेटली एक एक्सप्लेनेशन मिलेगी, राइट। और कुछ बच्चों को अभी भी दिक्कत है, तो आप ये वाला और करना चाहो तो कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा समय आप मत नष्ट कीजिए, क्योंकि अभी आपको पढ़ना नहीं, अब तैयार करना है, और तैयार करना मतलब पेपर के हिसाब से पढ़ो आप, और पेपर के हिसाब से पढ़ना है तो मात्र 3 चैप्टरों की सारी एक्सप्लेनेशन को देख लेना आप, 3 इनमें से ही आपको मिलेगी। मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 1-2 आती है, मैं ये ना कह रहा हूँ, यदि मेरा तो ये है कि 99% दोनों की दोनों एक्सप्लेनेशन इन्हीं 3ों चैप्टर में से मिलेगी, लेकिन यदि एक ना आई तो एक तो भैया 100% इसमें से आएगी, पढ़ाना छोड़ दूंगा यदि इनमें से एक्सप्लेनेशन ना आए तो, राइट। तो 5 चैप्टर है, 5 में से इन 3 चैप्टरों को कर लेना, आपकी एक एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली मिल जाएगी पेपर में, राइट। तो इन 3 चैप्टरों पर ज़्यादा फोकस करना है, आपका 10 नंबर क्लियर, राइट। अब बात आते हैं शॉर्ट आंसर, इसमें क्या होगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से एक करना होगा आपको, और एक क्वेश्चन करने के आपको 5 अंक मिलेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको इन्हीं 3ों के याद कर लेना,
बस इन तीनों के याद कर लेना, इनसे ज्यादा आपको बाहर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीन क्वेश्चन आते हैं तो तीन क्वेश्चन में से एक करना होगा, तो इनमें से ही एक क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली मिल जाएगा आपको, राइट। तो क्वेश्चन भी यही याद कर ले, क्वेश्चन के लिए हाँ मैं ये कह सकता हूँ इसको करना चाहो कर लेना, अदरवाइज छोड़ना चाहो छोड़ देना। मैं फिर से यही चीज रिकमेंड करूंगा आपको कि इन तीनों चैप्टरों को कर लेना, इनसे ही आपके क्वेश्चन और इनसे ही आपका एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, डेफिनेटली इनसे बाहर नहीं आएगी। फिलिंदा बैलेंस, चार नंबर की फिलिंदा बैलेंस आती है, और फिलिंदा बैलेंस के लिए कोई भी चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि आपको फिलिंदा बैलेंस दिया होता है और चार ऑप्शन उसी में दे रखे होते हैं, साइड में एक करना होता है। उसके लिए आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, तो चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अपने आप जैसे आते हैं कि ऑन द टाइम, एट द टाइम, ठीक है, और इन द रिवर, ऑन द रिवर, ऑन द टेबल, इन द टेबल, इस तरीके के। तो मैं एक दिन एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा एक ही वीडियो में, राइट। तो आपका 19 नंबर का काम खत्म हो गया। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? केवल ये तीन चैप्टर पढ़ने हैं आपके, इसी लेवल से, ज़्यादा नहीं, पूरे पर नहीं भागना है इन, मतलब कम करो पर अच्छे से करो, राइट। तो पुरानी कहावत में हर बार बताता हूँ कि पानी 10 फुट गहरा गड्ढे करने से, यानी कि नल का बोरिंग करने से, वहाँ से पानी निकलता है। यदि आप सोचो कि 10-10 फुट 10 जगह कर दोगे तो वहाँ से पानी नहीं निकलेगा। वही काम है कि स्कोर आपका पांचों के पांचों चैप्टरों को कम कम पढ़ने से नहीं आएंगे स्कोर 90%। एक चैप्टर को पढ़ो पर पूरा पढ़ो, ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तब आपको स्कोर बढ़ेगा। तो मात्र तीन चैप्टर पढ़ लो, पर तीन चैप्टरों को बेहतर तरीके से पढ़ लेना, आपको निश्चित रूप से इनसे बाहर नहीं आने वाला है। तो प्रोज का काम खत्म, चलिएगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ पहले पढ़नी है, कौन सी चीज़ बाद में पढ़नी है, लेकिन पहले ये चीज़ समझ गया। अब शॉर्ट स्टोरी की आ जाती है। शॉर्ट स्टोरी में क्या है? शॉर्ट स्टोरी में आपको तीन प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको दो प्रश्न करने होंगे, पाँच पाँच अंक के होंगे। शॉर्ट स्टोरी 10 नंबर की आती है। पहले आपके चार चैप्टर हुआ करते थे, अभी क्या है, कोविड के कारण एक चैप्टर हटा दिया, तो मात्र तीन चैप्टर बचे हैं। अब इन तीन चैप्टर में से भी आप केवल दो चैप्टर को ढंग से कर लेना। दो चैप्टर कौन से हैं? द गोल्डन वॉच, जो मैंने करा दिया है, और द एन एस्ट्रोलॉजर डे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो इन दोनों चैप्टरों को कर लेना, इनसे दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको कर लेना। एक क्वेश्चन आपका चॉइस में मिलेगा, उसको छोड़ देना तीसरे चैप्टर पर। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना दिमाग पर, इन दोनों के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको याद कर लेना। यदि आपको टाइम मिलता है तो द लॉस्ट चाइल्ड, उसका भी कर लेना, द लॉस्ट चाइल्ड। तो लेकिन मेरा पहला सजेशन यही है कि पहले इन दोनों के ने अच्छे से याद कर लेना, जब उसके बाद टाइम मिलता है तब द लॉस्ट चाइल्ड के देखना, वरना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तीन मिलेंगे क्वेश्चन, एक चॉइस वाले चॉइस में मिलेगा, दो कर लेना, राइट, ढंग से कर लेना पर इन दोनों को, राइट, चलिएगा। तो खत्म कहानी ये शॉर्ट स्टोरी के। अब फिगर ऑफ स्पीच की आ जाती है। फिगर ऑफ स्पीच होते हैं सात फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। पेपर में मिलते हैं आपको तीन मिलेंगे पेपर में, और तीन में से किसी एक की परिभाषा और दो एग्जाम्पल लिखने होते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं आपके टोटल मिला के तो सात होते हैं, पेपर में आपके तीन आएंगे, जिसमें से आपका क्या करना है, एक की परिभाषा, किसी भी एक की परिभाषा और एक क्या करना है, दो एग्जाम्पल्स लिख देने हैं। तो भैया फिगर ऑफ स्पीच मैंने इतनी ईजी लैंग्वेज में कराए कि आपने एक कर लिया तो पाँच के पाँच और सात के सात तो याद हो जाएंगे। तो वहाँ से कोई भी पाँच कर लेना याद, कोई भी पाँच, उनके दो दो एग्जाम्पल। तो मैंने इस तरीके से, जैसे कि मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन और आपका सिमिली और ऑनोमेटोपोया, ये चार कर लेना काफ़ी हैं, ठीक है ना। मेटाफोर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, ऑनोमेटोपोया और हाइपरबोले भी कर लो तो और अच्छी बात है, ये कर लेना। अदरवाइज मैंने एक उसकी वीडियो बनाई है फिगर ऑफ स्पीच की, वो देख लेना, उसमें इतनी छोटी छोटी डेफिनेशन है कि आप एक बार देखोगे सारी याद हो जाएंगे। तो ये चार नंबर पर रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अब तीन तो मिलते हैं यार, कोई भी पाँच कर लेना, कोई भी पाँच कर लेना, क्योंकि सात होती हैं, कोई भी चार कर लेना या पांच कर लेना, कोई भी जो आपका मन करे, वहां से कोई ना कोई फंस जाएगा। लेकिन मैं फिर भी मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, सिमली, मेटाफोर और आपका ओनोमेटोपोया और हाइपरबोले, ये चार कर लेना, ठीक है ना। और एक पर्सोनिफिकेशन, पांच, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, हाइपरबोले, ओनोमेटोपोया और एक कौन सा रह गया, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, मेटाफोर, हाइपरबोले और पर्सोनिफिकेशन, ये कर लेना याद। मेरे को याद है, देख लो हर बार नाम भी नहीं चेंज हो रहा, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, मेटाफोर, हाइपरबोले और पर्सोनिफिकेशन, ये याद कर लेना, काम खत्म, ठीक है, चलिएगा। और पोइट्री, अब आते हैं पोइट्री। पोइट्री भैया 17 नंबर की आएगी। पहले आपके 10 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या है, सात चैप्टर बचे हैं, तीन चैप्टर इसमें से हटा दिए हैं।
अब 7 चैप्टर में से भी आपके कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको भाई, 10 नंबर की एक्सप्लेनेशन आएंगे यानी दो मिलेंगी, एक करनी होगी। और एक्सप्लेनेशन के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको एक ये करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस और एलिमेंट, केवल इन 4 चैप्टरों को पढ़ लेना। यदि टाइम बचता है तो माई हेवन और इसमें पासिंग ऑथर इन्फ्लुएंस से कोई भी एक कर लेना, लेकिन जरूरत नहीं है, केवल इन 4 को कर लेना। यहीं से एक्सप्लेनेशन और यहीं से आपका सेंटर आइडिया आ जाएगा, ये दोनों काम खत्म यहीं से। यदि आपको लग रहा है कि ये कम है, हमको कुछ और ज़्यादा करना चाहिए, तो इनमें से कोई भी एक चैप्टर और कर सकते हो अपनी मर्जी से, जो आपको ईजी लगे इन दोनों में से। लेकिन इन 4 को मत छोड़ना, इन 4 को ढंग से कर लेना, इनके सेंटर आइडिया, इनके एक्सप्लेनेशन। सेंट्रल आइडिया कर लोगे तो उसका राइटर का नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन में आपको 2 दिलवाएंगे। तो हर चीज़ का आपको एकदम बेहतरीन तरीके से कर लेना, सारे सेंट्रल आइडिया मैंने करा दिए हैं, तो जाकर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। समझ में आ गया तो कौन कौन से आपको ये करने हैं। अब सीधे सीधे आते हैं ग्रामर पर, ग्रामर की हम बात कर लेते हैं। ग्रामर भैया, ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 के, सिंथेसिस 2 के, ट्रांसफॉर्मेशन 2 के, सिंटैक्स 2 के, सिनोनिम्स 3 के, एंटोनिम्स 3 के, मोनो होमोपोन्स 2 के, वन वर्ड सिचुएशन, ये मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कुल मिला के 22 का है। इस पर थोड़ा लेट ध्यान देना, पर उससे पहले आप, क्योंकि इनमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की समझने वाली चीज़ें होती हैं, एक बार कर लोगे। अब इसमें ये नहीं होता कि 4 चीज़ ये याद कर लो, तो इसलिए इस पर ध्यान देना, मतलब ये नहीं कह रहा ध्यान मत देना, ध्यान देना, लेकिन सबसे पहले जो बड़े बड़े स्कोर वाली चीज़ें हैं, ये 1-1, 2-2 की चीज़ें हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि इनमें से आप तैयारी भी ना करोगे, तो आधी चीज़ तो वैसी है वैसी कर लोगे, एंटोनिम सिनोनिम्स वन वर्ड और ये वगैरह वगैरह, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए मैं आपको 5-7 स्टोरी कराऊंगा, केवल उनको कर लेना और आपके 10 क्लियर हो जाएंगे। 1 स्टोरी मैंने करा दी एकदम बेहतरीन लेवल की, आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। अब मैं कराऊंगा स्टोरी को इस लेवल से कराऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे, बेहतरीन लेवल की, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे की बात करते हैं, तो ऐसे में आपको मैंने तो एक ही ऐसे कराया है, लेकिन 1-2 ऐसे और कराऊंगा। मेरा एक ऐसे ही आपके 10 ऐसों के बराबर है। ऐसे में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वुमेन्स एजुकेशन, पॉल्यूशन, ठीक है, एनवायरमेंट वगैरह का आएगा, साइंस का, और आपका टेररिज्म का, ठीक है, और आपका एक कर लीजिए सेव द ट्री, सेव द वाटर, इस तरीके का, बस इनसे अलग नहीं आएगा। और सारे टॉपिक यही मिलेंगे आपको, एक वुमेन्स एजुकेशन का मिलेगा, एक साइंस पर मिलेगा, एक पॉल्यूशन पर मिलेगा, एक आपका टेररिज्म पर मिलेगा, जो टेररिस्ट वगैरह का जो होता है, ठीक है, और एक आपका मतलब इस पर मान लीजिए सेव द वाटर, सेव द ट्री, जो इन्वायरमेंट वगैरह के ऊपर, ठीक है, और पॉलिटिक्स के ऊपर भी आ सकता है, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं, वो हिंदी में ज़्यादा आते हैं। तो बस यही 3-4 टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इनको कर लेना। या फिर हमने एक कराया है मास्टर ऐसे, वो कर लेना, उस वो कर लिया आपने तो आपके पूरे के पूरे, यानी कि मैंने एक ही ऐसे कराया, उनमें से आपको एक टॉपिक जरूर फंसेगा। एक ऐसे और कराऊंगा मैं, तो उसमें आपके 10 टॉपिक एक ऐसे में करा दिए, 10 टॉपिक का एक और ऐसे करा दें, 2 ऐसे में, यानी कि 20 टॉपिक खत्म, तो आपका पूरा ऐसे उसी से आएगा। कोविड-19 का बहुत बच्चे कहते हैं, तो कोविड-19 का आएगा तो वो हिंदी में आ सकता है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मतलब केड़े चांस हैं, लेकिन हिंदी का भी मैंने करा, हिंदी का कराया नहीं है, लेकिन मैंने PDF में दे दिया था। अरे वो शायद मैंने पेड बैच में दिया था, शायद मुझे याद है, शायद मैंने दिया था, तो मैं सभी को दे दूंगा कोविड-19 का जल्दी ही आपके लिए, कल ही वीडियो बनाकर कोविड-19 का दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, चिंता ना करना, कोविड का भी मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में क्या होता है, अनसीन पैसेज का मतलब तो सीधे सीधे अनसीन पैसेज है, जो आपको क्या है उसमें से क्वेश्चन छाटने होते हैं, और क्वेश्चन छाटने के लिए आपको क्या है 6 मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन छाटने वाले के मैं आज ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा शाम को, राइट। तो ये पूरा 50 का ये, 50 का ये। अब आती है बातें कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए इंग्लिश में, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है और सबसे बाद में क्या पढ़ना है। सबसे पहले वो चीज़ पढ़नी है जो ज़्यादा नंबर की है। सबसे पहले आज से, अब से ऐसे को याद करना स्टार्ट कर दो, याद कर लो, लिख के देख लो, क्योंकि पेपर टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा याद करोगे तब जाके अच्छा कर पाओगे, क्योंकि स्कोर ऐसे ही नहीं बनता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है बड़ी बड़ी चीज़ों को कंप्लीट करिए। जैसे कि ऐसे करिए, स्टोरी बनाने का प्रयास करो, स्टोरी बनाने का प्रयास करो,
तो ठीक है ना, दो ही चीज़ें कितने 22 नंबर की हो गई, राइट। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ चीज़ें करोगे तब जाके 22 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें कर लोगे तो 22 नंबर क्लियर। इस तरीके से जो ज़्यादा स्कोरिंग चीज़ है वो अनसीन पैसेज देखना स्टार्ट कर दो। तो ये टोटल मिला के 10, 10, 20, 22 और 6, 28 नंबर की, तो यही तीन चीज़ें हैं। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट कर दो। एक्सप्लेनेशन दोनों की एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कहाँ गया एक्सप्लेनेशन, ये रहा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन याद करना स्टार्ट कर दो। आज से हर रोज का एक एक एक्सप्लेनेशन देखोगे पोइट्री में, और इसमें 15 दिन तक देखोगे आपके पूरे ही चैप्टर खत्म हो जाएंगे। 15 दिन में पूरा इंग्लिश खत्म हो जाएगी। पहले 2 दिन ऐसे को दे दो, ऐसे राइटिंग और ये सभी को देखो, ठीक है। एक एक करते रहो, एक एक चीज, एक ऐसे देख लो, एक स्टोरी, एक अनसीन पैसेज, एक इसमें एक्सप्लेनेशन, एक इसमें एक्सप्लेनेशन, 5-7 चीज बैठेंगे, एक दिन में कर सकते हो आसानी से। आपके दिमाग में आता है सर हमारे पास इंग्लिश ही पढ़ने के लिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भी है, उनको भी पढ़िए, इनको भी पढ़िए, सबको पढ़ लीजिए आप, राइट। तो ये एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िए, एक्सप्लेनेशन देखिए, राइट। आगे बात, फिर इसके बाद में आप एक्सप्लेनेशन के बाद सेंट्रल आइडिया देखना और इसके क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। फिर अपनी मर्जी है, फिर आपका जैसे कि इससे 4 नंबर क्लियर होंगे होंगे। फिर उसके बाद में शॉर्ट स्टोरी का देख लेना, फिर आपका बचता है ये चीज़। तो इन चीज़ों को सबसे लास्ट में देखना, पहले इन चीज़ों को तैयार करो। पहले आपको क्या करना है, 78 नंबर यानी 22 काट दोगे उसमें से तो 78 नंबर बचेंगे। पहले 78 नंबर को क्लियर कीजिए, उसके बाद में इस 22 नंबर पर आना। यदि इस 22 नंबर पर देखोगे तो दिमाग चकरा जाएगा कि कितने एंटोनिम्स याद करूं, कितने सिनोनिम्स याद करूं। तो दिमाग बुद्धि एकदम होती है ना भैया, 10 GB की मेमोरी कार्ड है उसमें पहले ही बेकार चीज़ें भर लोगे तो पूरा खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से पहले मेमोरी खाली है अभी ऐसा समझो, और यही मान के चलना कि 24 तारीख से ही आपके पेपर हैं, और इस तरीके से लेवल की तैयारी करो। पहले इन सारी चीज़ों को करो, उसके बाद में इस चीज़ पर आना। इस पर वरना दिमाग में क्या होगा, एक बिना बात का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कचरा टाइप का। तो इस ये कचरा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ये है। तो पहले ये चीज़ करो। इसमें भी क्या, सबसे पहले ऐसे स्टोरी और एनसीन पैसेज और एक्सप्लेनेशन, फिर इनके क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद में सारी चीज़ों को करना, ठीक है। तो ये वाला कर लेना क्योंकि ये 10 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें दो ही चैप्टर, यानी कि वो चीज़ सबसे पहले करनी है जिसमें कम हमको पढ़ना पड़ रहा है और ज़्यादा स्कोर मिल रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया जो मैंने बताया है, मैंने सेंट्रल आइडिया उनको याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना, एकदम बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। फिर भी आपको यदि कोई भी दिक्कत बचती है इस वीडियो से रिलेटेड या इनसे कोई भी, तो आप कमेंट जरूर कर देना, मैं और वीडियो बना दूंगा। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ स्ट्रेटजी को, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा पढ़ना है, कौन से चैप्टर से कम पढ़ना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे खुश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।